This conference will now be recorded. Attitudes to change हो, ठीक है जी? हमने कल attitudes to change की बात की थी. So today we'll be talking about the reactions of people towards change. हमने कहा था कि culture को हम revisit करेंगे as soon as we are going to talk about the fifth chapter, ठीक है? तो इसमें हम वापस आएंगे. So now we are going to talk about the reactions to change. How do people react towards change? लोगों के चार रिएक्शंस होते हैं चेंज की तरफ जो हम एक स्केल पे प्लॉट कर सकते हैं. एंट्रेंचमेंट मतलब एक एक्सट्रीम नेगेटिव है और एक एक्सट्रीम पॉजिटिव है. लाइक वी हैव अ स्केल ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. हमारे पास टोटल चार रिएक्शंस हैं. ऑन वन हैंड वी हैव एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शन, ऑन द अदर साइड वी हैव एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्लॉट इट ऑन अ स्केल फॉर यू, अगर मैं इसको एक स्केल के ऊपर आपके लिए प्लॉट करूँ, सो वी वुड सी के जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट पुल अप अ बेसिक वर्ड फाइल सो आई कैन शो यू कि हम किस तरह से रिएक्शंस को एक स्केल पे प्लॉट कर सकते हैं. Give me a moment, give me a moment, I'll be right back. So if we draw a scale और scale के ऊपर हम अगर देखें like if I like draw a straight line और इस पे अगर हम चार extreme right like this is willing acceptance. ठीक है जी, ये विलिंग एक्सेप्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी कॉल इट सो, और ये है वी कैन कॉल इट लाइक इफ वी कॉल इट स्ट्राइक एक्शन, दिस इज स्ट्राइक एक्शन. ठीक, और जस्ट ओके. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास ये एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन है, स्ट्राइक एक्शन है. लाइक जब भी किसी जगह पे कोई चेंज आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पीपल माइट कॉल ऑफ अ स्ट्राइक. और ये एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शन है जो कि विलिंग और एंथुजियास्टिक एक्सेप्टेंस है, वेयर पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सेप्ट द चेंज विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली. और इसके दरमियान में फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्लेस लाइक एंट्रेंचमेंट हेयर. हम एंट्रेंचमेंट को अगर यहाँ प्लेस करें somewhere here, यहाँ पे entrenchment है, ठीक है, और यहाँ पे we have begrudging acceptance. हमारे पास यहाँ पे begrudging acceptance. अब देखिए होता क्या है, this is extreme positive reaction, this is extreme negative reaction, ये extreme negative reaction है, ठीक है, ये extreme positive reaction. वालेकुम अस्सलाम. So जब किसी भी चेंज प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं चेंज को, तो 1% ऑफ द पीपल माइट बी विलिंगली एक्सेप्टिंग द चेंज. कोई हार्डली 1% लोग ऐसे होते हैं जो चेंज को विलिंगली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं.
And 99% of the people in organization will always try to react negatively. हमेशा 99% लोग जो है उनका रिएक्शन नेगेटिव होता है और सिर्फ 1% लोग जो होते हैं उनका रिएक्शन पॉजिटिव होता है. अब इस केस के अंदर इफ वी लुक एट इट तो स्ट्राइक एक्शन जो है दिस इज वेयर पीपल कॉल फॉर लाइक एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन. लाइक लोग जो है वो और स्पेशली अगर कोई चेंज प्रोसेस एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस कर रहा हो. इफ अ चेंज इज इन्फ्लुएंसिंग अ बिगर ग्रुप ऑफ पीपल तो पीपल माइट कॉल फॉर स्ट्राइक. लोग स्ट्राइक कॉल कर देते हैं. एंट्रेंचमेंट के अंदर लोग चेंज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं. लेकिन फिर मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट नेगेटिव टैक्टिक यूज करती है, थ्रेट करती है, डिसमिसल पनिशमेंट देती है, उनको उनको फियर देती है कि जॉब से निकाल दिया जाएगा और व्हाटसोएवर. तो मैनेजमेंट ट्राई टू ट्रीट देम इन अ नेगेटिव मैनर. इसी तरह पीपल रिफ्यूज द चेंज, लोग चेंज को रिफ्यूज कर देते हैं लेकिन फिर बी ग्रजिंगली एक्सेप्ट करते हैं. बी ग्रज का मतलब होता है गुस्से में एक्सेप्ट करना. व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ चेंज और जब लोग रिफ्यूज कर दें तो यहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट ये होती है कि आप लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करें, आप उन्हें नीड फॉर चेंज एक्सप्लेन करें, आप उन्हें बताएं कि चेंज क्यों जरूरी है, चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, चेंज उनके लिए क्या पॉजिटिविटी लेके आएगा और आप अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम अनाउंस करें ताकि आप लोगों को अप्रोप्रिएटली मोटिवेट भी कर सकें. तो यू हैव टू गिव पीपल रिवॉर्ड. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ लाइन ओवर हियर, तो ये जो दो स्टाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस एंड विलिंग एक्सेप्टेंस, ये दोनों पॉजिटिविटी में आते हैं और स्ट्राइक एक्शन और इंट्रेंचमेंट ये दोनों नेगेटिविटी में आते हैं. ठीक है, दे बोथ कॉल्स फॉर नेगेटिविटी. स्ट्राइक एक्शन एक एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन है, विलिंग एक्सेप्टेंस एक एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शन है. इफ यू लुक एट द टेक्स्ट यहाँ से देखें, यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है. Let's first discuss willing and enthusiastic acceptance, where employee embrace the change willingly and enthusiastically. This is a very positive approach, ending in a win-win situation. यहाँ पे win-win पैदा होता है. इस केस में organization अपने objective achieve कर लेती है. They try to achieve their objective as well as something positive for the employees also arises. For example, employee change को embrace करके कोई ना कोई नया skill सीख सकते हैं, कोई नया experience कर सकते हैं. तो एम्प्लॉयज की भी नीड पूरी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी पूरी हो रही है. तो दोनों केसेस में इट कॉल्स फॉर अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस में क्या होता है, इवन दो एम्प्लॉयज डू नॉट सपोर्ट द चेंज बट दे अंडरस्टैंड कि देयर इज नो चॉइस अदर देन एक्सेप्टिंग इट. तो एम्प्लॉयज गुस्से में ही सही लेकिन एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंज को. नाउ इन दिस केस आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है चेंज प्रोसेस के अंदर, आपको लोगों को बताना पड़ता है कि चेंज क्या फायदा देगा उनको. बिकॉज इफ पीपल डू नॉट एम्ब्रेस द चेंज अल्टीमेटली उनका मोराल लो होगा. ठीक है, और डेफिनेटली आप लोगों को रियलाइज करवाते हैं दैट इफ दे विल नॉट सपोर्ट द चेंज प्रोसेस, अगर वो लैक ऑफ सपोर्ट शो करते हैं तो दैट मे प्लेस्ड अगेंस्ट देम इन द फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल आप ये अनाउंस करते हैं कि जो लोग चेंज को सपोर्ट करेंगे दे माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी प्रमोटेड, और जो लोग चेंज को सपोर्ट नहीं कर रहे दे माइट नॉट बी प्रमोटेड वन वे और द अदर. तो अब क्या होगा, फिर लोग वो लोग जो चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं दे विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस में और एंट्रेंचमेंट में सिर्फ ये फर्क होता है कि एंट्रेंचमेंट में भी एम्प्लॉई रिफ्यूज कर देते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने से, लेकिन यहाँ पे फिर मैनेजमेंट क्या करती है, नेगेटिव टैक्टिक यूज करती है सो दैट दे लीड टू सम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और पोटेंशियल डिसमिसल ऑफ द एम्प्लॉई. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, ये बड़ी मजे की स्टेटमेंट लिखी हुई है. दिस अप्रोच generally only result in a delay in the inevitable. Inevitable से मुराद है something which is unavoidable, जो नागुजीर होना. यानी change तो आना ही आना है. ये statement का मतलब ये है कि change तो आना ही आना है. हाँ, entrenchment से change का process थोड़ा सा delay हो सकता है. Entrenchment से the process of change can be a bit delayed. थोड़ा सा process delay हो सकता है लेकिन change आके रहेगा. तो change, planned change will be invariably implemented. जो आपने चेंज प्लान किया हुआ है वो इनवेरिएबली इंप्लीमेंट होके रहेगा. हाँ, दिस इज पॉसिबल दैट द प्रोसेस माइट बी डिलेड. ओके, एंड देन वी हैव स्ट्राइक एक्शन. सो व्हेन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ चेंज व्हिच कैन अफेक्ट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब इधारा कोई चेंज लेके आता है जिससे एक बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट हो सकता है, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो स्ट्राइक एक्शन कॉल कर देते हैं, पर्टिकुलरली अगर उसे यूनियन सपोर्ट कर रही हो. Strike action can also bring negative publicity to an organization. Remember, ऊपर वाले तीनों reactions में
ऑर्गेनाइजेशन अपना डिसीजन चेंज नहीं करती, वन वे और द अदर चेंज लेके आती है, चाहे थ्रेट करना पड़े, चाहे लोगों को मोटिवेट करना पड़े, और चाहे लोग खुद विलिंगली उसे एक्सेप्ट करें, दैट इज अ विन-विन सिचुएशन। यानी ऊपर वाली तीनों रिएक्शंस में पीपल ऑलवेज एम्ब्रेस चेंज, चाहे जबरदस्ती चाहे चाहते हुए। दिस इज द ओनली सिचुएशन जहां पे मैनेजमेंट को हथियार डालने पड़ जाते हैं, जहां पे प्रोट्रैक्टेड निगोसिएशंस होते हैं। प्रोट्रैक्टेड निगोसिएशन से मुराद ये होती है ऐसी निगोसिएशन जिसमें विन विन आपने सिचुएशन को नहीं एग्जैक्टली नो दे आर नॉट द सेम, अमीन साहब ये सेम नहीं है, इसका डिफरेंस मैंने भी आपको समझाया है। एंट्रेंचमेंट में मैनेजमेंट नेगेटिव टैक्टिक यूज करती है, एंट्रेंचमेंट में मैनेजमेंट जो है वो नेगेटिव टैक्टिक यूज करती है, ठीक है ना, मतलब कि थ्रेट करती है, पनिशमेंट देती है, डिसमिसल का थ्रेट देती है, ठीक है। और बिग्रजिंग में आप देखें तो मैनेजमेंट पॉजिटिव टैक्टिक यूज करती है, इन्वॉल्व करती है एम्प्लॉइज को चेंज प्रोसेस में, एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली व्हाई चेंज इज नीडेड। ये फर्क बिग्रजिंग में और एंट्रेंचमेंट में, दोनों में एम्प्लॉइज चेंज को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे होते हैं, दोनों में मैनेजमेंट ने चेंज को एक्सेप्ट करवाना होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि एंट्रेंचमेंट में मैनेजमेंट यूजेस नेगेटिव टैक्टिक और बिग्रजिंग में मैनेजमेंट यूजेस पॉजिटिव टैक्टिक्स। ऑलराइट, स्ट्राइक एक्शन के अंदर दिस कैन लीड टू प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबी निगोसिएशन में फिर लोग पड़ जाते हैं। रिमेंबर हमेशा स्ट्राइक एक्शन वहां पे होती है जहां पे लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट होता है, वो किसी भी चेंज प्रोसेस से। व्हेनेवर सम चेंज प्रोसेस इज अफेक्टिंग अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल दैट विल लीड टू प्रोट्रैक्टेड निगोसिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्ट्राइकर्स, जहां पे फिर आपका अल्टीमेट पर्पस क्या होगा, टू अचीव एन एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज। आपका पर्पस क्या है कि आप एक एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज को अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स द की, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सिर्फ स्ट्राइक एक्शन वो ऐसी स्ट्रेटजी है, वो ऐसा रिएक्शन है सिर्फ स्ट्राइक एक्शन के जिसमें देयर इज अ चांस कि मैनेजमेंट माइट गिव अप, देयर इज अ चांस कि मैनेजमेंट जो है वो गिव अप कर दे और मैनेजमेंट अपने चेंज प्रोसेस को रिफॉर्म करे, एम्प्लॉइज की या लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करे। सो दैट इज द ओनली पॉसिबल सिचुएशन, अदरवाइज ऊपर वाली तीनों सिचुएशंस के अंदर देयर इज नो चांस कि मैनेजमेंट अपना चेंज प्रोसेस रिफॉर्म करे या उसमें कोई फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी शो करे। व्हाटएवर दे हैव डिसाइडेड दे विल इंप्लीमेंट दैट। नवीद क्या हाल है बेटा आपका, खैरियत से? इट्स बीन लॉन्ग, आई हैवंट सीन। सो बेसिकली मैनेजमेंट क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर व्हाटएवर दे हैव डिसाइडेड दे सिंपली ट्राई टू इंप्लीमेंट इट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। ओके, सो जो पहला पार्ट है फोर्थ चैप्टर का, जिसमें अभी तक हमने चार एरियाज मेनली कवर किए हैं, और इन चारों एरियाज के अंदर लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। फोर्थ चैप्टर इज अ वेरी हैंडी चैप्टर रिमेंबर, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबी चलना। प्रोट्रैक्टेड मीन समथिंग दैट गोस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब लोग स्ट्राइक एक्शन कॉल करते हैं तो प्रोट्रैक्टेड निगोसिएशन शुरू हो जाती है, यानी पार्टीज जो है, यानी जिन्होंने स्ट्राइक एक्शन कॉल की होती है और जिन्होंने डिसीजन लिया होता है उनके दरमियान फिर लास्टिंग निगोसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। And they started, you know, they start discussing on the way outs to minimize the loss of each party. तो वो फिर ऐसी discussion में पड़ जाते हैं जिसमें दोनों parties के loss को minimize करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है ना? Got it? Okay, so हमने what is change को discuss करते हुए nature of change की बात की, we talked about nature of change. इसमें हमने कहा change की दो types होती है, change के दो मैग्नीट्यूड्स होते हैं और चेंज के इंप्लीमेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया, आ सकता है। देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रिगर्स ऑफ चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आ चुका है। देन वी डिस्कस्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज, पेपर में आ चुका है। इसके ये तीन, ये चार पांच पॉइंट पेपर में आए थे इसके। देन वी टॉक्ड अबाउट एटीट्यूड्स टू चेंज, हाउ डू पीपल रिएक्ट टू चेंज, लोगों के एटीट्यूड्स क्या होते हैं, रीजंस जॉब रिलेटेड होते हैं, ये वाला सवाल भी आ चुका पेपर में। एंड कल्चर और चेंज को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर में जाके। एंड टुडे अभी तक हमने रिएक्शंस टू चेंज की बात की है। रिएक्शंस टू चेंज चार किस्म के होते हैं, जो मैंने भी आपको एक डायग्राम में ड्रॉ करके भी दिखाए हैं। दिस इज एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन एंड दिस इज एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। एक तरफ आपके पास एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन है और एक तरफ आपके पास एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शन। एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन में स्ट्राइक एक्शन है, एक्सट्रीम पॉजिटिव रिएक्शन में विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस है। इधर एंट्रेंचमेंट है और इधर बिग ग्रजिंग एक्सेप्टेंस है। ग्रज कहते हैं गुस्से को, गुस्से में आ जाना।
यानी इवन दो एम्प्लॉइज आर विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज बट दैट एक्सेप्टेंस इज हाईली बीग्रजिंग एक्सेप्टेंस जो बड़ी बीग्रजिंग है पीपल आर नेवर एम्ब्रेसिंग चेंज विलिंगली ओके एंट्रेंचमेंट में लोग रिफ्यूज कर देते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने से ऑब्वियसली फिर आप उन्हें नेगेटिवली पनिशमेंट और थ्रेट के थ्रू उन्हें आप मोटिवेट करते हैं कि अगर वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सो दे वुड बी इन अ लॉस ठीक है सो दैट इज समथिंग व्हिच वी डिस्कस्ड सो फार ओके एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी है यहाँ पे लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल ऑफशोरिंग हमने आउटसोर्सिंग पढ़ा था ऑफशोरिंग क्या होती है आउटसोर्सिंग से अगली स्टेज होती है आप जब अपना कोई प्रोसेस आउटसोर्स करते हैं और वो आउटसोर्सिंग किसी दूसरे मुल्क में होती है तो वो ऑफशोरिंग कहलाती है लाइक आउटसोर्सिंग बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज इज ऑफशोरिंग नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो कुछ आप करते हैं उसे हम ऑफशोरिंग कहते हैं तो आउटसोर्सिंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज बिकम्स ऑफशोरिंग हुआ क्या इन द फर्स्ट डेके ऑफ द मिलेनियम लाइक 2001 से लेकर 2010 तक यूरोपियन कंपनीज ने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स ऑफशोर किए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्योंकि वहां पे वेजेस सस्ती थी वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट लो थी तो बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन प्लांट्स बंद कर दिए यूरोप में और उन्होंने उन्हें शिफ्ट कर दिया कहां पे इंडिया में हाँ ऑफशोर कंपनीज का भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली ऑफशोर कंपनी का मतलब ये होता है ना कि आपकी कंपनी है लेकिन किसी और मुल्क में है जो ये नवाज शरीफ जो केस चला था ऑफशोर कंपनी में ही चला था ना तो इसे हम ऑफशोर कंपनी कहते हैं लाइक ऑफशोर से मुराद है बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री ये ऑफशोर कंपनी होती है ऑफशोरिंग से मुराद है आउटसोर्स करना किसी दूसरे मुल्क में आउटसोर्सिंग सम प्रोडक्शन प्रोसेस इन सम अदर कंट्री ये ऑफशोरिंग एग्जैक्ट अच्छा जब यूरोपियन कंपनीज ने ऑफशोरिंग की तो उन्होंने एम्प्लॉइज को कुछ ऑप्शन दी उन्होंने कहा कि या तो वॉलंटरी रिडंडेंसी ले लें नौकरी छोड़ दें या फिर इंडिया मूव कर जाएं वहां जाके ऑपरेशंस को रन करें वहां के लोगों को ट्रेन करें या फिर कंपनी के अंदर ही अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ले लें किसी और डिपार्टमेंट के अंदर अब जो लोग इस चेंज को विलिंग और एंथुसियास्टिकली एक्सेप्ट करेंगे दे विल डेफिनेटली गो टू इंडिया एंड इन्वॉल्व इन रनिंग ऑपरेशंस देयर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि बीग्रजिंगली एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे वो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे समवेयर एल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो इदारे में किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी ले लेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एंट्रेंचमेंट शो करेंगे ठीक है एंड दे माइट बी डिसमिस्ड उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा या वो खुद ही जॉब छोड़ देंगे ठीक है और अगर ये चेंज एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहा होगा तो वो लोग स्ट्राइक एक्शन भी कॉल कर देंगे दे माइट कॉल स्ट्राइक एक्शन ठीक है तो whilst फॉर वन एम्प्लॉई द प्रोस्पेक्ट ऑफ मूविंग टू इंडिया एंड एक्सपीरियंसिंग अ न्यू कल्चर माइट बी एक्साइटिंग एडवेंचर For others, the upheaval and moving away from friend and family might mean they prefer to take alternative employment. You see? So for some employees who have worked in the same job for like 30 years, prospect of having to do something new may be so daunting. Daunting se murad hai, wo nightmare ya daunting se murad hai ki khatre ki ghanti bajna, ki wo voluntary redundancy le lenge aur naukri chhod denge. You see? To ek change process aap dekhein, different kisam ke reactions produce kar raha hai by the people. There is a common change process. And that common change process is, you know, producing different types of reaction from different types of people. Got it? Alter ये begrudging acceptance में जाएगा. That would be begrudging acceptance. कि आप मतलब और हो सकता है management थोड़ा सा motivate भी करें employees को, उनको थोड़ी बहुत skill building भी करें, उन्हें training भी दे दे. तो वो फिर क्या करेंगे? वो begrudgingly accept कर लेंगे employment को किसी और department में. ठीक है? Okay. So That's the conclusion of this particular topic. दूसरा पार्ट है चौथे चैप्टर का हाउ टू मैनेज चेंज चेंज को मैनेज कैसे किया जाए अभी हमने पहला पार्ट डिस्कस किया है वट इज चेंज चेंज होता क्या है एंड नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज चेंज तो चेंज मैनेजमेंट के अंदर रिमेंबर इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट चेंज हमेशा वो वाला मैनेज करते हैं जो कि प्लैंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता है जो जो चेंज प्लैंड ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं होता उस चेंज को मैनेज नहीं किया जाता तो चेंज डेट इज प्लैंड ट्रांसफॉर्मेशनल सिर्फ इसे मैनेज करना पड़ता देखो प्लैंड चेंज होगा तो मैनेज करेंगे अनप्लैंड चेंज को मैनेज करने का टाइम नहीं होता और इंक्रीमेंटल चेंज को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती देर इज नो टाइम टू मैनेज अनप्लैंड चेंज एंड देर इज नो नीड टू मैनेज इंक्रीमेंटल चेंज रिमेंबर दैट सो यू विल ऑलवेज नीड टू मैनेज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एंड दैट इज अ प्लैंड वन ठीक है तो यहां पे फिर हम क्या करते हैं कुछ गाइडलाइंस यूज करते हैं चेंज मैनेजर्स के लिए
मतलब और ये दो दो बड़े इंपॉर्टेंट इसमें टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ चेंज के लेवर्स होते हैं और कुछ मैनेजमेंट के स्किल्स होते हैं. देर आर सम लेवर्स ऑफ चेंज एंड देर आर सम मैनेजमेंट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड. ठीक है ना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है क्योंकि बड़ा इंक्रीमेंटल चेंज बहुत छोटा होता है ना, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज. इंक्रीमेंटल चेंज इज अ रियली स्मॉल चेंज. तो इंक्रीमेंटल चेंज को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपको भी बहुत ज्यादा यू नो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी कि एक फैक्ट्री ने अगर अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है तो दैट्स एन इंक्रीमेंटल चेंज विच डू नॉट रिक्वायर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन और मेजर रीस्ट्रक्चरिंग एट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंक्रीमेंटल चेंज के लिए आपको मेजर रीस्ट्रक्चरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती. ठीक है ना, तो व्हेन चेंज इज प्लान्ड मैनेजिंग द चेंज इन्वॉल्व डिसाइडिंग वेयर यू करंटली आर एंड वेयर यू वॉन्ट टू बी. और चेंज प्रोसेस में फिर आप उस प्लान्ड चेंजेस, जो भी प्लान्ड चेंज है उसको फिर आप डिस्कस करते हैं, उसको फिर आप डिसाइड करते हैं. हाँ, इंक्रीमेंटल चेंज ऑटोमेटिकली तो मैनेज नहीं होता, लेकिन देखें एक होता है इम्प्लिसिट प्रोसेस और एक होता है एक्सप्लिसिट प्रोसेस. आप खाना खाते हैं तो क्या प्लानिंग करते हैं, अच्छा अब मैंने रोटी तोड़नी है, अब मैंने निवाला बनाना है, अब मैंने मुंह में डालना है, नहीं प्लानिंग करते ना. हालांकि इम्प्लिसिटली दिमाग में प्लानिंग हो रही होती है आपकी, हमारा हर एक्शन प्लान होता है लेकिन वो इम्प्लिसिटली प्लान होता है. आ रही है ना मेरी बात समझ. देर आर सम प्लानिंग विच आर एक्सप्लिसिट. हम खाना खाते हुए फॉर्मल प्लानिंग नहीं करते, बट इट डजंट मीन दैट वी डोंट प्लान. इट इज प्लान, लेकिन वो प्लानिंग हमारे दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, उसे हम अपने कॉन्शियस लेवल पे नहीं लेके आते. जैसे मैं जब आप ड्राइविंग करते हैं, आपसे अगर कोई बंदा ड्राइविंग करता है तो क्या आप प्लानिंग करते हैं कि अब मैंने पहला गियर लगाना है और मैंने दूसरा गियर लगाना है इनर. हाँ, ये इम्प्लिसिट इनर प्लानिंग होती है. इंक्रीमेंटल चेंज ऑटोमेटिकली प्लान होने से मुराद ये है कि यू एक्चुअली डोंट नीड टू प्लान देम. वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेते हैं, वो खुद ब खुद मैनेज हो जाते हैं. बट इफ यू हैव टू गो फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड अप्रोप्रिएटली. ऑलराइट, तो किसी भी चेंज प्रोसेस के अंदर फिर आपने चेंज के लिवर्स यूज करने होते हैं सो दैट देयर इज नो गोइंग बैक. एक चेंज को इंप्लीमेंट करना कि कहीं पे फिर टर्निंग बैक ना हो. वंस अ चेंज हैज बीन ब्रॉट इन, चेंज हैज टू स्टिक देयर. चेंज को वहां पे रखना है आपने. दो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं. पहला टूल है लिवर्स फॉर चेंज. ये सवाल आ चुका पेपर में, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था. लिवर्स, फिजिक्स पढ़ी है ना आप लोगों ने, एफएससी में, मैट्रिक में, साइंस पढ़ी होगी. व्हाट इज अ लिवर? लिवर क्या होता है? लिवर एल आई वी आर, नहीं जिगर नहीं, लिवर एल ई वी ई आर. व्हाट इज अ लिवर? लिवर क्या होता है, क्या पर्पस क्या होता है लिवर का? टेल मी वन गुड पर्पस ऑफ अ लिवर. लिवर का एक पर्पस बताओ मुझे. पुल करता है, गुड अपलिफ्ट कर, मतलब पर्पस क्या है? ये तो आप मुझे उसका आप बता रहे हैं ना कि तो यूज बता रहे हैं, मैं पर्पस पूछ रहा हूँ, यूज नहीं पूछ रहा. पर्पस में और यूज में फर्क होता है. दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी इज द यूज ऑफ अ लिवर, कि लिवर इस्तेमाल इसलिए होता है. लिवर का मकसद क्या होता है? पर्पस मकसद होता है. मैंने कल भी कहा था किसी भी लफ्ज को समझना ना उसका उर्दू मतलब ढूंढा करें. यूज कहते हैं इस्तेमाल को, पर्पस कहते हैं मकसद को. लिवर का पर्पस क्या होता है? पुली एक लिवर है ना, पुली एक लिवर है ना. अगर आपको 10 किलो का वजन हाथ से उठाना पड़े, ठीक है, हाँ, सपोर्ट. सपोर्ट किस चीज की? हाँ, व्हाई डू वी नीड सपोर्ट? हमें यूज, यस यू आर क्लोज, हमें सपोर्ट क्यों चाहिए? हमें सपोर्ट क्यों चाहिए होती है? व्हाई डू वी नीड सपोर्ट? प्रॉब्लम में, हाँ exactly, to make the things easy, चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए, ठीक है, हमें सपोर्ट चाहिए हो. देखें लिवर पुली हम, हाँ देखें किसी भी प्रोसेस को अगर आपने सिंपल करना हो तो उसमें आप लिवर यूज करते हैं. आइडियली स्पीकिंग लिवर का पर्पज ये होता है कि लिवर मेक थिंग्स इजी फॉर यू. आप अगर एक 10 किलो का वेट हाथ से उठाएं तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. आप अगर पुली डाल लें और पुली से आप उस वजन को खींचिए तो इट वुड बी हाफ ऑफ इट, आधा वजन रह जाएगा उसका, ठीक है. तो बेसिकली लिवर का पर्पज ये होता है कि काम को आसान करता है. इसी तरह चेंज के जो लिवर्स होते हैं ये भी आपके लिए काम को आसान करते हैं, ठीक है. चेंज के जो लिवर्स होते हैं दे मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, ये आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई कर देते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपने चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना हो, इफ यू हैव टू इंप्लीमेंट द चेंज सक्सेसफुली, तो आपको कुछ लिवर्स यूज करने पड़ते हैं. ऑल ऑफ दीज आर द लिवर्स ऑफ चेंज.
ये सारे के सारे चेंज के लिवर्स हैं जो चेंज प्रोसेस को सिंपल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बेसिक सा लिवर है दिस वन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन. जब आपने चेंज लेके आना है तो अगर आप इम्प्लॉई को कम्युनिकेट कर दें, अगर आप उन्हें रीजन फॉर चेंज समझा दें, तो दैट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू ब्रिंग द चेंज. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक लिवर है. इसी तरह लीडर कितना कमिटेड है चेंज के साथ, ये भी एक लिवर है. नीड फॉर चेंज कितनी क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है चेंज प्रोसेस की, ये भी एक लिवर है. मैनेजमेंट के पास रिक्वायर्ड क्वालिटीज होनी चाहिए चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये भी एक लिवर है. The management should be having all the required qualities to implement a change process. Organizational structure and relationships within organization should be adapted to meet the requirements of change. ये भी एक lever है. ठीक है, आपका structure supportive हो, आपके relationship supportive हो, ये एक दूसरा important lever है. Reward system सबसे important lever communication है. Second important lever जो है वो reward system. जब भी आपने चेंज लेके आना है तो आपको रिवॉर्ड सिस्टम्स को डिजाइन करना पड़ता है ताकि लोगों को आप कन्विंस कर सकें चेंज की तरफ. इफ योर रिवॉर्ड्स आर नॉट एप्रोप्रिएट, यू माइट नॉट बी एबल टू कन्विंस योर सबॉर्डिनेट्स फॉर चेंज. इसी तरह क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को और केपीआईज को रिफाइन करना, रीडिफाइन करना, ये भी एक लेवर है. इंशाल्लाह फाइनल्स में जाके आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सीएसएफ एंड केपीआईज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स उन फैक्टर्स को कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. एंड केपीआईज आर दोस फैक्टर्स जो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में आपकी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बीएमबीएस के अंदर 65% पासिंग परसेंटेज जो है, दैट माइट बी अ केपीआई, ये आपका केपीआई हो सकता है. ठीक है, ये आपके लिए केपीआई का रोल प्ले कर सकता है. और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो होते हैं दे प्ले एन, मतलब इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो सेल्स प्रॉफिट का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है सेल्स, और सेल का केपीआई है क्वालिटी. प्रॉफिट का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सेल्स है, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, और सेल्स को इंप्रूव करने का केपीआई है आपकी क्वालिटी. क्वालिटी बेहतर होगी तो सेल्स बेहतर होंगी, सेल्स बेहतर होंगी तो प्रॉफिट्स बेहतर होंगे. गेटिंग द पॉइंट? तो जब भी आप किसी चेंज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपको अपने सीएसएफ और केपीआईज को भी रीडिफाइन करना होता है, रिवाइज करना होता है. एंड देन द थर्ड इंपॉर्टेंट केपीआई, केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. Key performance indicator, KPI होता है key performance indicator. ठीक है, CSF होता है critical success factor. और critical success factor इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को measure कैसे करते हैं, how do you measure something. For example मैंने KPI set किया कि मैंने अपनी आप की जो spring 19 की जो attempt है March 19 की, उसमें मुझे BMBS का result 70% चाहिए. Let's suppose, ये मेरा KPI है, एक performance measure है. ठीक है, performance measure allow you to compare your performance with the benchmark. आप for example एक बड़ा मोटा बंदा है, वो कहता है कि मैंने अपना weight reduce करना है, वो KPI set करेगा अपना कि मुझे for example 10 kg weight loss करना. ठीक है, ये उसका KPI है, target. exactly, KPI is a target. ठीक है, it's a target. सबसे important lever effective communication, दूसरा इंपॉर्टेंट लिवर रिवॉर्ड सिस्टम, और तीसरा इंपॉर्टेंट लिवर एजुकेशन. द थर्ड इंपॉर्टेंट लिवर इज एजुकेशन. अगर लिवर पे सवाल आता है तो कम से कम ये तीन लिवर्स आपने जरूर लिखने हैं. ऑब्वियसली सारे लिवर्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा, चार पांच लिवर्स पूछे जा सकते हैं. बट इफ अ क्वेश्चन अपीयर्स, एग्जैक्टली हर ऑर्गेनाइजेशन हर साल एम्प्लॉई के लिए टारगेट सेट करती है और उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है. रिमेंबर परफॉर्मेंस इज ऑलवेज इवेल्युएटेड अगेंस्ट अ टारगेट. परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए टारगेट का होना बहुत जरूरी है. If you don't have a target, you will not be able to evaluate performance. So to evaluate performance, there has to be a target. Okay? So third important KPI, jo, sorry, lever hai, wo aapka employee training hai, education hai, taki employee change ki need ko meet kar sake. So that employees can meet need for change. Okay? Moskander ka model humne padha tha first chapter mein, aapko yaad hoga. मॉस्केंटर ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के ऊपर. मॉस्केंटर की ही एक और थ्योरी है चेंज एडेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्वालिटीज ऑफ चेंज मैनेजर्स क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी अ चेंज मैनेजर लुक लाइक, व्हाट क्वालिटीज शुड बी अ चेंज मैनेजर हैविंग. तो चेंज को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट के लिए, चेंज एडेप्ट एंटिटी के पास किस किस्म के स्किल्स होने चाहिए. मतलब फॉर अ चेंज मैनेजर व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स आर नेसेसरी
what type of skills are important to have in order to make sure कि आप किस तरह से चेंज के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे या आप किस तरह से चेंज के प्रोसेस को चलाएंगे. ठीक, तो ये स्किल्स होते हैं. रिमेंबर लिवर्स प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, स्किल्स ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कैरी करते हैं. लिवर्स आर यूज्ड इन प्रोसेसेस एंड स्किल्स आर एक्वायर्ड बाय द पीपल. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, तो स्किल्स होते हैं चाहिए. ये वाला सवाल भी आ चुका है पेपर में, स्किल्स ऑफ चेंज के ऊपर. There are different skills of a change manager. और ये skills जो होते हैं ये बड़ा critical role play करते हैं organization की effectiveness के अंदर. ठीक है ना, like if a person is having appropriate skill, he or she is going to be able to make a difference. ठीक है, वो एक difference create करेगा. ठीक है, और अगर ये skills एक change adept entity acquire कर ले तो ये सोने पे सुहागा है. That's a win-win situation. But there are some entities जहाँ पे change adept entity तो होती है लेकिन change manager नहीं होती. और कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे change manager तो होते हैं लेकिन इदारा change adept नहीं होता. So you have to strike a balance. A change adept entity, ये देख रहे हैं ना, मॉस्केंटर ने कहा कि एक manager in a change adept entity, ये बड़ा important है. देख रहे हैं, in a change adept entity, एक change adept entity के अंदर manager के पास क्या skills होने चाहिए. ठीक है, so these skills are very important. Tuning in the environment, prevailing wisdom. I just want to spend some more time on these skills to discuss them. And आप लोगों को शोर की आवाजें आ रही होंगी पीछे से. Actually, I am having some guests around, and they are just bursting the door out of it. Okay. Adapt. I'm sorry for that. Actually, आज दोपहर को एक जगह फौत की हो गई थी. I just had to rush there for the funeral. तो और इवनिंग में चूंकि स्टूडियो पूरा हमारा पैक होता है तो इवनिंग में फिर आई हैव टू टेक द क्लास ऑफ स्टूडियो. ओके, चलिए खैर, हम इंशाल्लाह इसको फिर डिस्कस करते हैं. देखिए, अडेप्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल. अडेप्ट का लफ्जी मतलब होता है एकोमोडेटिंग, किसी चीज को जिम करना अपने अंदर, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, फ्लेक्सिबल होना. तो चेंज अडेप्ट एंटिटी उस एंटिटी को कहते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो. ठीक है, an entity that is willing to accept change is known as change adept. All right, okay, then we will continue these skills tomorrow inshallah. Okay, I'm sorry for that, it's quite distortion out there and I'm extremely sorry ki aapko disturbance ho rahi hai is wajah se. To hum isko fir inshallah ye jo hai na hamare skills jo hai ye fir hum inshallah kal karte hain. Kal class hum regular time pe karenge, hopefully 1:45 pe. Theek hai, Ruhul Amin beta, is time pe na actually issue hai, studio bhi nahi available hota aur meri apni bhi commitments kuch zyada hoti hain is time pe. तो ये अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन हम इस तरह से, मतलब अभी तक हमने हार्डली एक या दो लेक्चर 6:30 प्लान किए हैं. तो जो एक्चुअल टाइम है वो 1:45 का है हमारा. ठीक है, बट इन एनी केस इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द लेक्चर, यू ऑलवेज हैव द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, सो लेट्स मीट टुमारो एट 1:45 एंड अगेन सॉरी फॉर टुडेज डिस्टर्बेंस, एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह बच्चों, और कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहो सारे, अल्लाह हाफिज़.